नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा, आप देख रहे हैं मेडिसिन किंग। तो आज हम बात करेंगे कार्डिमोल प्लस 10 टैबलेट के बारे में। आप जैसा कि देख रहे हैं, कार्डिमोल प्लस टैबलेट मेरे हाथ में है, कार्डिमोल प्लस 10 mg। तो आज इसके यूजर्स के बारे में बात करेंगे, इसके क्या साइड इफेक्ट, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो का नया अपडेट आपको मिल सके। तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैनकाइंड इस प्रोडक्ट को बनाती है, मैनकाइंड ग्रुप। आपको इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा। तो इसके MRP के बारे में बात करें तो MRP 93 rupees 50 paise MRP है, और इसके एक्सपायरी डेट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, 2/21 तक की एक्सपायरी डेट है। तो आइए इसके कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कंटेंट इसका प्रोपोनोल 40 mg और फ्लोनारेजिन 10 mg। तो इसमें ये दो कंटेंट मिले हुए हैं। तो इसके हम यूजेस के बारे में जानेंगे, कौन कौन से यूजेस में आती है टैबलेट और कौन कौन से सिम्टम में इसको यूज़ किया जाता है। तो जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो आप जिन पेशेंट को घबराहट होती है या आधा सिर दर्द होता है या उच्च रक्तताप होता है, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट टैबलेट है। तो जिन पेशेंट को बार बार चक्कर आते हैं या मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम होती है या मस्तिष्क विकार के लिए यूज़ किया जाता है, या घबराहट या शरीर में कंपन होना, या बार बार आपके शरीर में जैसे कंपन होते के पेशेंट को घबराहट होने लगती है साथ में, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट टैबलेट है। तो चक्कर के लिए तो बहुत ही, जिन पेशेंट को सर्वाइकल की समस्या होती है तो वो पेशेंट भी इस टैबलेट को ले सकते हैं, उनको भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ऐसे ही बहुत से कामों में ये टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और डॉक्टर बहुत से। तो दोस्तों, आपने जाना है इसके यूजर्स के बारे में, ये चक्कर या आपको आधा सिर में दर्द होना या उच्च रक्तताप होना या मस्तिष्क में आपके कोई ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो आइए इसके जान लेते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आप इस टैबलेट को कंटिन्यू लेते हो या ज़्यादा टाइम तक लेते हो तो आपको भार बढ़ सकता है, निंद्रा में पड़ सकते हो, बार बार नींद आना या थकान होना, या आपको बहुत सोने में तकलीफ़ हो सकती है, या आपको चक्कर आ सकते हैं। तो आपको ऐसा कोई सिम्टम दिखते हैं तो आप इस टैबलेट को बंद कर दें, डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल यूज़ ना करें। तो इसके आपको यूजेस और साइड इफ़ेक्ट कैसे लगे, तो इसके डोजेस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, डोजेस इसके होते हैं, सुबह शाम भी ले सकते हैं आप एक एक टैबलेट, और इसको TDS में भी चलाया जाता है, तो सुबह दोपहर शाम को ले सकते हैं, या BD डोज भी दी जा सकती है। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।